इंडिकेटर की जगह पे देखेंगे तो ये ना ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे गियर भी डालूंगा, देखिए तो गियर भी डालूंगा तो भी माइनस वाला ही साइन आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा है। वाला पड़ा यार इसमें, देखिए कभी सर्विस में खुलाते हैं कभी भी सर्विस में कराइए तो इसको जरूर क्लीन करा लीजिए इस वाले एरिया को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया हूं सबके लिए नई वीडियो के लिए। हंटर के ऊपर है, छोटी वीडियो रहेगी, मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी है, बट आपको इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी इसमें दिक्कत क्या है कि बाइक मेरे पास सर्विस के लिए आई थी, क्लच पेड वगैरह भी खत्म है, 6000 किलोमीटर चली है, बाइक में क्लच भी खत्म हो गया है। तो आजकल यार इन बाइकों में बहुत जल्दी क्लच भी खत्म होता है। अभी आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें हंटर में क्लच पेड खत्म हो गई थी, 10-11 चली थी ऑलमोस्ट। अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो इसका गियर इंडिकेटर ना वो सॉल्व नहीं हो रहा, गियर इंडिकेटर दिखा नहीं रहा है। तो बाइक गियर में स्टार्ट भी नहीं हो रही है ना न्यूट्रल में स्टार्ट होती है। बेसिकली जैसे क्लच दबाएंगे जब स्टार्ट होगी, वैसे कभी स्टार्ट नहीं होगी। आप कि अगर मान लीजिए जैसे क्लच आप छोड़ दे तो नहीं स्टार्ट होगी, तो उसका दिक्कत क्या है आपको ले चलता हूँ वीडियो बाइक पर दिखाता हूँ और क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें होना करना क्या पड़ेगा। तो चलिए पहले आइए देखिए दोस्तों, ये है अपनी बाइक। अब आप देखिए इसमें दिक्कत क्या है, जैसे आप इसको ऑन करेंगे ना, देखिए तो दोस्तों ये है, देख सकते हैं। देखिए अब ये गियर इंडिकेटर की जगह पे देखेंगे तो ये ना ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे गियर भी डालूंगा, देखिए तो गियर भी डालूंगा तो भी माइनस वाला ही साइन आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे देखिए गियर में है गाड़ी, अब देखेंगे पहिया भी नहीं घूम रहा, देख सकते हैं। देखिए तो गाड़ी गियर में है तो ये क्या हो रहा है कि माइनस माइनस खाली दिखा रहा है और इंडिकेटर बता ही नहीं रहा है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बैटरी कवर खोलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से खोल लिया बैटरी कवर। अब क्या करना है आपको, चाबी लगा देनी बाइक में, चाबी लगा के ना बाइक को चाबी को ऑन रख दीजिएगा और किल स्विच भी ऑन रहेगा। कभी भी ध्यान रखिएगा अगर करते हैं ऐसा काम तो आप किल स्विच ऑन रखिएगा। और उसके बाद एक बार ना जो बैटरी की वायर है, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कोई भी, एक वायर को जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, देखिए लाइट चली गई है। अब देखें अभी जैसे ये देखिए लाइट चली गई, एक बार पूरी लाइट चली गई है बाइक में। देखिए अब लाइट चली गई तो उसके बाद ना चाबी बंद कर दो एक बार। अब चाबी बंद करके अब इसको एक ऐसे ही छोड़ देना 5 सेकंड के लिए। इसके बाद आप फिर क्या करेंगे, सीधा अब इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे चाबी ऑफ करके। अब ऑन नहीं रखना चाबी को। अब देखिए जैसे लगाऊंगा इसमें, अच्छे से टाइट करके अब देखना है ऑन करके कि देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए अभी भी माइनस ही शो कर रहा है, तो ये माइनस शो कर रहे का मतलब है अभी अब ये इधर से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमें क्या करना है, इसका गियर जो सेंसर होता है उसको चेक करेंगे। तो जो वो जो प्रॉब्लम थी जो हम सोच रहे थे वो तो नहीं है। तो अब इसका क्या करते हैं, गियर सेंसर निकालते हैं और देखते हैं कि वो ख़राब हुआ है क्या ख़राब है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ना लेफ्ट साइड में आइएगा, उसके बाद लेफ्ट साइड से क्या करेंगे ये वाला कवर खोल ले पहले आप। तो ये वाला जो कवर खोल लोगे तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ गियर सेंसर का होता कहाँ है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी के साथ इशू आ रहा है ये तो आप बेझिझक आप यही काम करें, कुछ भी नहीं होता है इसमें, कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। अब देखिए गियर सेंसर कहाँ होता है ना, ये भी देख लीजिए। अब ये खोल लिया, अब ये जो वायर है ये वाली देखिए, ये वाली वायर होती है गियर सेंसर की वायर, जैसे न्यूट्रल सेंसर जिसको बोलते हैं, गियर सेंसर जिसको बोलते हैं, उसकी वायर होती है। अब ये वायर कहाँ जा रही है, इसके अंदर जा रही है, इंजन के अंदर, यहाँ इस वाले गरारी के अंदर। तो इसको खोल लेते हैं पहले और इसके अंदर भी दिखाता हूँ आपको कहाँ होती है। देख सकते हैं खुल गया है, तो देख सकते हैं दोस्तों खुल गया है। और गियर सेंसर कहाँ लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये वाला है, ये जो होता है ना, ये देख ये वाला, ये गियर सेंसर है यहाँ पे जो लगा हुआ है। और कभी भी दोस्तों इसको खुलवाते, देखिए इतना गंद भरा पड़ा है यार इसमें। देखिए कभी सर्विस में खुलाते हैं, कभी भी सर्विस में कराइए तो इसको ज़रूर क्लीन करा लीजिए इस वाले एरिया को। तो अभी ये वाला गियर सेंसर इसको निकालते हैं और देखते हैं कि डाल के नया डाल के देखते हैं। तो नया वाला भी मेरे पास अभी मैं दिखाता हूँ कितने का है आपको, पहले इसको निकालते हैं फिर दिखाता हूँ। तो लो जी ये वो निकल गया सेंसर, देख सकते हैं इसमें ना एक पैकिंग होती है रेड कलर की, देखेंगे तो ये वाली पैकिंग ध्यान से निकालिए फट ना जाए, वैसे भी अगर नहीं मिल जाती है वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली ये देखिए रोलर होता है ना, ये रोलर देखें, ये ना रोलर चारों तरफ घूमता है, तो इसमें डॉट डॉट बने होते हैं इसके अंदर। अभी खैर इसको तोड़ के दिखा नहीं सकता, किसी भी और कभी दिखा दूंगा आपको, इसके अंदर डॉट डॉट बने होते हैं। तो उस जगह पे आता है तब जाके गियर दिखाता है, नहीं तो इस जगह पे आता है न्यूट्रल दिखाता है। तो ये होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कुछ करने के होता नहीं, रिपेयरेबल नहीं होता है। तो आ जाओ भैया तुम, ये है नया गियर सेंसर, अब 800
₹80 का है, इसकी MRP देख सकते हैं और पार्ट नंबर भी ये रहा। तो अभी इसको क्या करते हैं, इस वाले को फिट करते हैं, इसमें पैकिंग लगा के और इसको लगाते हैं। तो उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे गियर इंडिकेशन इसका काम करेगा। तो चलो पहले इसको ना क्लीन कर लेते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदा है। तो देखिए कितना गंदा है यार, पहले इसको धो देता हूँ थोड़ा। अब खुला है तो बार बार खुलेगा नहीं, लेकिन धो के लगा लेते हैं थोड़ा। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। ये डन, देख सकते हैं फिट कर दिया है, वायर भी लगा दिया, यहाँ से इसको भर को पैक कर दिया है। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे इसका गियर सेंसर जो है, अब देखें चाबी ऑन करेंगे और अब देखें न्यूट्रल लाइट पहले आता नहीं था, अब देखें न्यूट्रल लाइट शो करने लगी है और इमीटर पे यहाँ जीरो दिखने लगा है। तो मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ कि कैसे आपको वर्क कर रहा है। तो देख सकते हैं 6313 किलोमीटर चली हुई है। अब देखिए न्यूट्रल का साइन आ गया। अब जैसे मैं इसमें ये देखिए पहला गियर लग गया, देखिए दूसरा गियर लग गया, अब बाइक स्टार्ट होगी जब ही चलेता है नहीं तो। लेकिन मतलब गियर देखिए अब सही हो गया गियर, देखिए ये देखिए पहला न्यूट्रल आ गया, देखिए पहला लग गया फिर न्यूट्रल लग गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कैसे, जो मैंने दिखा दिया क्या दिक्कत कुछ नहीं था, खाली जो गियर का सेंसर होता है जो न्यूट्रल लाइट्स का सेंसर बोलते हैं उसको, वो ख़राब हो गया था और कोई बाइक में दिक्कत नहीं था। तो मैंने कहा पहले एक बार बैटरी से चेक कर लेते कि क्या पता कहीं बैटरी हटाने के बाद एरर आ जाता है मीटर में, तो वो भी सही हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैंने पहले इसको चेक किया। तो गियर सेंसर ख़राब था, गियर सेंसर डाल दिया है, ₹880 का आप लोगों ने देख लिया। पुराने वाले को हमने भैया यहाँ रिटायर कर दिया है, देख सकते हैं पुराने वाले ये रिटायर हो गए और बाइक होगी डन। अब बाइक को थोड़ा चैन वैन साफ़ करके नट बोल्ट भी टाइट करने, नट बोल्ट टाइट करके और धुलाई करके बाइक को हैंड बॉल कर देंगे। तो मैंने कहा आप सबको भी इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के थोड़ा छोटा सा दिखा दिया जाए कि ये भी दिक्कत हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से मतलब आप ज़्यादा कुछ परेशान होने से अच्छा होगा। आप गियर सेंसर डाल के जरूर चेक कर लें एक बारी कि कई लोग क्या करेंगे मीटर खराब हो गया ये खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गियर सेंसर डाल के जरूर चेक कर लें। तो आज भी दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है इसका गियर सेंसर जो था ख़राब था, तो और कुछ नहीं था, गियर सेंसर ही ख़राब था। तो मैंने कहा आपको छोटी सी वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन वीडियो थी तो मैंने आपको साथ शेयर करिए, और तो ज़्यादा कुछ नहीं था, जो गियर सेंसर ख़राब था तो वो आपको देख लिया। तो ऐसा होता है कि जैसे बैटरी का जो वायर रहता है उसको हटाने से भी सही होता है, कई बार कोई मीटर में एरर आ जाता है, कोई वायरिंग में रिले होती है उनमें एरर आ जाता है तो हो जाता है, बट ऐसा ज़्यादातर केस में क्या होता है गियर सेंसर ही ख़राब होते हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और मीटर वगैरह जल्दी इसके ख़राब नहीं होते हैं, ऐसे भी पानी में ज़्यादा तभी ख़राब होता है, वैसे कुछ ख़राब नहीं होता है। तो बस मिलते हैं ऐसे किसी नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।